मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आप में से किसी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने हेयर केयर रूटीन के बारे में बताऊं, तो मैं वीक में कुछ ना कुछ एक दिन संडे के दिन कुछ लगाती हूँ बालों में, और आज लगा रही हूँ प्याज का रस। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मिक्सी में मैंने थोड़ा सा पानी में प्याज को पीस लिया है और उसको छान लिया है, और उसमें मिला रही हूँ नींबू का रस। मैं पूरा एक नींबू का रस मिला रही हूँ, इससे डैंड्रफ नहीं होता है और बाल अच्छे रहते हैं। तो प्याज के रस में नींबू का रस मिला के और फिर मैं इसे अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी, और इस तरह से कुछ ना कुछ मैं हर संडे कोशिश करती हूँ अपने बालों में अप्लाई करने की। तो मैं आगे और भी इस तरह की रेमेडी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और फिर इसको मिक्स करके अपने बालों में इस तरह से हाथों की मदद से मैं अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करती हूँ ताकि कहीं भी बाल छूटे नहीं, क्योंकि इस तरह से इसको अप्लाई करने से बालों में शाइनिंग आती है, बाल टूटने बंद हो जाते हैं, और नींबू की वजह से डैंड्रफ नहीं आता, बालों में शाइन आती है और बहुत अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हेयर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में कुछ ना कुछ लगाऊँ। तो इस संडे मैं ये प्याज का रस लगा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और इसे एक घंटा रखने के बाद मैं शैम्पू से वॉश कर लूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग, और आज है संडे, और अभी संडे की मॉर्निंग हो रही है और अभी टाइम हो रहा है 9:30, और मैं अभी अभी नहा के निकली हूँ, और अभी मेरे बाल गीले हैं, जब सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि प्याज लगाने के बाद बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। और आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट ठंडा है क्योंकि हवा चल रही है बहुत अच्छी। और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज है संडे और संडे को है सबकी छुट्टी, तो आज थोड़ा सा स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। और मेरी मदर इन लॉ नहा रही हैं, और सबका नहाना हो गया है, सिर्फ रिया बाकी है नहाने में, और बस रिया नहा लेगी तो सबका नहाना हो जाएगा। और मैं जाती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद सबको सर्व करूँगी, और हम सब मिलके आज ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि आज है संडे, और बहुत अच्छा लगता है सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं तो। और आप लोगों में कौन से फ्रेंड मेरे सबको मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं संडे को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं जाती हूँ, पहले मैं आपको अपना गार्डन दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला सा गार्डन है और क्लाउडी वेदर है बिल्कुल, और हवाएं चल रही हैं। पहले मैं आपको गार्डन दिखा दूँ, और ये रहा मेरा गार्डन, बारिश हुई है तो थोड़ा गीला गीला सा है मेरा गार्डन, और हवाएं चल रही हैं आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, अभी बारिश रुक गई है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। बारिश जब रुक जाती है तो बहुत अच्छा लगता है गार्डन देखना, क्योंकि सारे पेड़ पौधे जो हैं धुल जाते हैं, तो बहुत ग्रीनरी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पूड़ी खीर और आलू गोभी की सब्जी। और मैं हूँ अभी किचन में, और मैं बना रही हूँ अपना लंच, और किचन बनाएंगे अभी मटन, और मैंने चावल बना लिया है, तो
मैं लंच बना रही हूँ अभी और किशन अभी मटन बनाने वाले हैं। तो और मुझे किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि किशन किस तरह से मटन बनाते हैं, मैं उनको बनाते हुए शूट करूं उनकी रेसिपी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको शूट कर लेती हूं। तो किशन प्याज कट कर रहे हैं, उधर रिया पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे किशन मिला रहे हैं, प्याज भून गई है तब मिला रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको भी थोड़ा सा भूनते हैं। और झारखंड में ऑलमोस्ट सबके घर में इसी रेसिपी में मटन कड़ी बनती है, क्योंकि मैंने सारे रिलेटिव के यहाँ देखा है लगभग इसी तरह से बनती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और ये है मटन, और मटन में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ा हुआ है। और अब जब मसाला भून जाएगा तब इस मटन को अच्छे से मतलब भूनना है, उसके बाद फिर इसमें पानी पड़ेगा और गर्म मसाला पड़ेगा। तो ये मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा ज़रूर छोड़ें, जिससे कि मसाले मैरिनेट हो जाते हैं अच्छे से मटन के साथ और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है मटन का। और मीट मसाला हम बाद में डालेंगे ये जब भून जाएगा उसके बाद। और मटन को ढक ढक के बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, क्योंकि मटन अपना पानी छोड़ता है और जब तक उसका पानी सूखे नहीं तब तक मटन को अच्छे से भूनते हैं और उसके बाद उसमें मीट मसाला डाल के पानी डाल के गरम मसाला डाल देते हैं। और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, मेरे चावल बन गए थे और अभी बना रही हूँ आलू भाजा यानी कि आलू की भुजिया, तो बना रही हूँ और किशन उधर मटन बना रहे हैं। और मटन में पानी डाल दिया है किशन ने, और मीट मसाला डालते टाइम मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि किशन ने डाल दिया था। और अभी गरम मसाला डाल रहे हैं, और मीट मसाला मैं MDH का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और गरम मसाला में मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी ये तीनों पीस के डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको ढक देंगे, लगभग 10 मिनट तक इसको पकाते हैं मीडियम आंच पे, और उसके बाद फिर ऑफ करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद कुकर खोलते हैं। मेरा लंच बन चुका है पूरी तरह से, और रिया रेडी होने जा रही है क्योंकि उसको 2:30 बजे से ट्यूशन जाना है और हम सब अभी लंच करेंगे। गुड इवनिंग, और अभी हो रही है शाम, और मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी, उसके बाद फिर अभी उठी हूँ शाम में। मैं जा रही हूँ स्नैक्स बनाने क्योंकि रिया को एग रोल खाना है, तो मैं जा रही हूँ एग रोल बनाऊँगी अभी। और बस अभी शाम हुई है और रिया ट्यूशन से आ गई, चाहे संडे थी तो वो 6:30 बजे ट्यूशन से आ गई, और बस इसी तरह से चल रहा है। तो मैं जा रही हूँ स्नैक्स बनाने, और किशन और मेरी मदर इन लॉ ने चाय पी ली है तो मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सोफी उठी थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मैंने चाय बना के दिया उन लोगों को। और एग रोल की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं इसका लिंक। और मैं यहाँ पे टमाटो सॉस और चिली सॉस को मिक्स कर दे रही हूँ क्योंकि डालने में आसानी होगी मुझे, मैंने तैयारी कर ली है, अब मैं रोल बनाऊँगी। और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद बच्चों को कुछ खाने का मन करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के नाश्ते के लिए। तो मैं अभी वही बना रही हूँ और हम सब इंजॉय करेंगे अभी एग रोल।
गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे और कल मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ मंडे का। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज वेदर भी थोड़ा थोड़ा खुला खुला वेदर है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। सुबह सुबह हो रही थी बारिश, रात भर बारिश हुई है, बट अभी बारिश नहीं हो रही है। और किशन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ जो है वो नहाने गई हुई हैं। और मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बनाया था आलू पूड़ी, तो आलू रखा हुआ था और मैंने अभी केवल रोटी बनाया है और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। तो किशन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं और मेरी मदर इन लॉ अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसी तरह से चल रहा है मेरा आज की सुबह, स्टार्ट हो गई है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ, बस लाइट कटी हुई है, तो लाइट आएगी तो फिर मशीन में कपड़े धोना है, थोड़ा थोड़ा काम है तो करते रहूँगी दिन भर। तो बस इसी तरह से चल रहा है मेरा दिन और जाती हूँ ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ। और किचन कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और अभी अभी लाइट आई है तो मैंने जल्दी से मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, क्योंकि लाइट का आजकल कुछ ठिकाना नहीं है, कब रहे कब ना रहे। और हम सब ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं मसाले वाले आलू, जो कि मैंने रिया रोहित के लंच के लिए बनाया था सुबह टिफ़िन के लिए, और दही और रोटी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है आज का। ये है मेरा आज का लंच, चावल दाल, ये है आलू मसाले वाली सब्जी जो कि सुबह मैं बनाई थी, तो वो थोड़ी सी थी तो मैंने लिया है। और ये है बोदी का भुजिया यानी कि बरबट्टी की भुजिया, और ये है अरबी की सब्जी, वो झारखंड में कोचू बोलते हैं, तो कोचू की सब्जी। तो ये है मेरा मंडे स्पेशल लंच, अब मैं जा रही हूँ लंच करने। और अभी हो रही है शाम और हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा बस बैठ के हम लोग गप कर रहे थे। उसके बाद मेरी सासू माँ मेरी बड़ी ननद से फ़ोन पे बातें कर रही हैं और मैं उनके बाल बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी वो घर जाएंगी और किशन रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए उनको छोड़ने। गुड इवनिंग। और अभी हो रही है शाम और अभी 4:10 बज रहा है टाइम, और मैंने लंच किया और लंच के बाद हम लोग बैठे थे तो कोई मिलके गप कर रहे थे। और मेरा किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, क्योंकि जब हमने लंच किया उसके बाद ही मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि आज चली जाएंगी वो, तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है जल्दी से काम ख़त्म करके फिर बैठ के थोड़ा सा गप कर लूँ उनसे। तो इसलिए मैंने जल्दी से अपना बर्तन वगैरह क्लीन करके और उसके फिर हम लोग बैठ के सब कोई गप कर रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग की बातें कंप्लीट हुई। और अभी अभी 4 बजे मेरी जो मदर इन लॉ है वो किशन के साथ घर के लिए निकल गई, और थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा घर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि कोई फैमिली मेम्बर आके रहे आपके घर पे, तो अगर जाता है कोई तो बड़ा खाली खाली सा घर हो जाता है। मेरा भी टाइम अच्छा बीत रहा था इन दिनों, क्योंकि मदर इन लॉ आई हुई थी तो इधर उधर की बातें करना, और दिन भर मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते, तो मुझे बड़ा खाली खाली सा महसूस होता है। बट ठीक था कि अभी मतलब उनसे बातें होती करती थी तो बहुत अच्छा से टाइम बीता, और अभी चली गई हैं तो थोड़ा सा घर खाली खाली लग रहा है। और उनका हाथ का दर्द जो था वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो
जो दवा वगैरह डॉक्टर जो हम लोगों ने रिपीट दिखाया उनको तो थोड़े बहुत मेडिसिन दिए डॉक्टर ने और उनको लेके वो चली गई। हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा दिन और रुक जाइए, लेकिन मदर इन लोगों का कहना था कि नहीं बहुत दिन हो गया, मैं जाऊंगी घर। उनको एक्चुअली यहाँ पे मन नहीं लगता है क्योंकि गांव में उनकी फ्रेंड्स लोग हैं और गांव में उनको थोड़ा सा अपनापन लगता है क्योंकि शुरू से वहीं रही हैं और यहाँ उनको थोड़ा सा लगता है अजीब, तो इसलिए वो ज़्यादा दिन नहीं रुकती हैं। जब भी आती हैं ठीक हो जाने पर चली जाती हैं, तो वही आज निकल गई। लेकिन अब कल से अपना रूटीन है कि नहीं बच्चे स्कूल जाएंगे फिर मैं अकेली हो जाऊँगी दिन भर, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं चली गई तो थोड़ा सा घर खाली खाली लग रहा है। बाकी सब ठीक है, बस इसी तरह से रहा मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। अगर आप चाहें तो मेरे ब्लॉग्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने ब्लॉग्स जो मेरे आने वाले होते हैं उनकी जानकारी देती हूँ और मेरे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो बस इसी तरह से रहा मेरा आज का दिन और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।